तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि और मंगल का शताष्टक योग। ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जो शनि मंगल का शताष्टक योग बन गया है। शनि मंगल का शताष्टक योग चल रहा है और आजकल राहु का और मंगल का शताष्टक योग चल रहा है, वहीं सूर्य और शनि का सम सप्तक योग चल रहा है। इन दिनों कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ। सूर्य परिवर्तन होकर 17 तारीख को मेष राशि अपने सिंह राशि में पहुंचे और वहीं मंगल का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। मंगल इस वक्त कन्या राशि में चल रहे हैं, जो 18 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश किए दोपहर को 3:54 पर और 3 अक्टूबर तक इसी राशि में रुकने वाले हैं। 3 अक्टूबर को तुला राशि में जाने वाले हैं। जब तक ये यहाँ रुकेंगे तब तक आप समझें कई प्रकार के विचित्र योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि मंगल का शताष्टक योग, शनि मंगल एक दूसरे से 6-8 दिखाई दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देखें तो मंगल के इस पदार्पण से, इस राशि के परिवर्तन से जब कन्या राशि में मंगल प्रवेश कर रहे हैं उससे इसका विशेष तौर पे हम देखें राहु का और साथ साथ मंगल का भी षडाष्टक योग बन गया है। षडाष्टक योग जो होता है एक दूसरे छठे आठवें योग जो होता है वो ग्रहों का अच्छा नहीं माना जाता। हम तुला राशि के संबंध में बात कर रहे हैं। तुला राशि के अनुसार से अब ये समझे योग कहाँ का बन रहा है। मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में है। 12वां भाव विशेष तौर पर जो माना जाता है वो मोक्ष का भाव माना जाता है, जुर्माने का भाव माना जाता है, खर्चों का भाव माना जाता है, कंफर्ट्स का भाव भी कई जगह माना जाता है। शनि महाराज आपसे आपकी राशि के अनुसार से देखें पंचम भाव में चल रहे हैं, मंगल से 6 भाव में चल रहे हैं और पंचम भाव विद्या का भाव, बुद्धि का भाव, संतान का भाव, शनि महाराज का वहाँ वक्र स्थिति में होना और ये बड़ा विशेष तौर पर संबंध बना रहा है। और ऐसे में साथ साथ राहु का आपकी राशि के अनुसार से 31 अक्टूबर तक जिस प्रकार से वो सप्तम भाव में चल रहे हैं मेष राशि के होकर बृहस्पति के साथ कई प्रकार के दुख देने के योग थे। आप इतने मेहनत कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं लेकिन जो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं वो विशेष तौर पर समझने की जरूरत है। तुला राशि वालों के लिए कई बार हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजते हैं कि बड़े परेशान चल रहे हैं और किस प्रकार से बृहस्पति साथ साथ संबंध बनाते हुए भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण है कि ये विशेष तौर पे जो तुला राशि वालों के सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि का योग बना हुआ है और साथ साथ इन दिनों षडाष्टक योग बन गया है, ये आपको वास्तविक तौर पर वो फल नहीं प्राप्त कराने दे रहा है। इसका उपाय करने की जरूरत है। इसमें जो षडाष्टक योग बन रहा है एक बड़ी अच्छी तिथि आएगी, वो नोट कर लीजिए, 24 सितंबर को मंगल अस्त हो जाएंगे। 24 सितंबर को मंगल के अस्त होने की वजह से क्या योग बनेगा, तो उससे मंगल का जो षडाष्टक योग इन ग्रहों के साथ चल रहा है उसमें मंगल क्षीर्ण हो जाएंगे, मंगल क्षीर्ण हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे करीब करीब शाम को 5:30 पर। तो ये विशेष तौर पर एक स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि मंगल सामर्थ्य जो है वो विहीन हो जाएगा। अस्त हो जाने से ग्रह विशेष तौर पर बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन उससे एक नुकसान भी हो सकता है। उससे एक नुकसान ये हो सकता है कि आप अपनी ऐसे में जब लगातार प्रतिद्वंदिता हावी हो रही हो, सामने वाले हमारे पर परेशान करने के योग बना रहे हैं, रिजल्ट हमें अपने कामों में नहीं मिल रहे हों, तब क्या होता है, और ऐसे में मंगल जब अस्त हो जाएगा तो हिम्मत थोड़ी कम हो जाएगी, उसको लगातार जगाए रखने की जरूरत है। देखिए पुरानी कहावत है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। अपने आप को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लगातार अपने आप को जगाए रखना है, हिम्मत को जगाए, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। और मंगल के अस्त हो जाने से ये समस्या उत्पन्न कर सकते हैं कि मंगल महाराज जो है वो आपको परेशान करने के योग दे दें अस्त हो जाने की वजह से। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप समस्याओं के सामने अपने घुटने टेकने की स्थिति बना सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी बढ़वा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये बहुत लंबी स्थिति नहीं है, आने वाले समय में ग्रहों का परिवर्तन होगा। 31 अक्टूबर को राहु भी पदार्पण बदल जाएंगे, उसके बाद सब परिवर्तन करने के अद्भुत प्रकार से योग बन जाएंगे। साथ साथ एक बात, 4 नवंबर को, ये कुछ दिनों की बात है, 4 नवंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे और ये सारे के सारे योग जो है, और करीब करीब हम बात करें 3 अक्टूबर को मंगल भी परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे, तो ये सब ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है उसके द्वारा कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उन सब से कुछ ना कुछ रास्ता प्राप्त होने के योग बन जाएंगे, इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करें। अब ये षडाष्टक योग जो है इसमें विशेष तौर पर ग्रहों की दृष्टि भी देखने की जरूरत पड़ती है।
शनि महाराज की जो इस वक्त दृष्टि पड़ रही है वो उत्तर में होने के कारण से ग्रह योग दिखाते हैं कि कई क्षेत्रों में अशांति का वातावरण बन सकता है। जैसे आप यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, तो जहां पर युद्ध देख ही रहे हैं लगातार समाप्त होने का नाम ही नहीं था, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो विशेष तौर पर इस वक्त जो चल रहा है, शनि का मुख जो देखा जाए, दृष्टि जो उत्तर की तरफ दिखाई दे रही है, तो ऐसे में ऐसे उत्तर का जो क्षेत्र है वहां पर विशेष तौर पर अफरा तफरी, उठा पटक, भयावह स्थिति जो होती दिखाई दे रही है, वहां ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है इन्हीं ग्रहों के योगा योग के कारण से। तो ऐसे में तुला राशि वालों को विशेष तौर पर समझना चाहिए क्या उपाय उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। देखिए, शनि महाराज वक्री होकर पंचम भाव में बैठे हैं, बुद्धि को गलत तरफ चला रहे हैं, दिशा गलत दे रहे हैं, वो योग बना रहे हैं। राहु महाराज सप्तम भाव में बैठकर वहां पर बृहस्पति को अपना शुभ ग्रह प्रभाव उत्पन्न नहीं करने दे रहे हैं। और मंगल जो शक्ति संपन्न होकर आपके बारहवें भाव में बैठे हुए हैं, वो विशेष तौर पर लगातार अपने आप को प्रयास कर रहे हैं उभार के लाने के लिए, लेकिन इन सब ग्रहों के कारण से कष्ट होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में क्या उपाय किए जाए? उपाय है हनुमान जी की पाठ किया जाए, उसे क्या होगा, हनुमान जी की कृपा से शनि मंगल के जो षडाष्टक योग है वो शांत होगा। साथ साथ भगवान शिव की उपासना, नित्य प्रति शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए आप उनका थोड़ा जल के अंदर थोड़ा तिल डालकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, या नमस्ते रुद्र मन्ने भवतो तई खवे नमः बाहुभ्यां तदे नमः जाते रुद्र शिवा, रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान का 16 मंत्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक कर ले, नहीं तो ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान पर नित्य प्रति शाम के समय ये उपाय करने का प्रयास करें, तब आपके इन ग्रहों को शमन करने के लिए अच्छा सा रास्ता बन सकता है। लेकिन जो आपके मन में संकोच का भाव चल रहा है कि इतने एफर्ट करने के बाद भी आपको जो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मन में कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बन रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है तुला राशि वालों के लिए, तो वो मुख्य कारण है राहु का बृहस्पति के साथ होना और इन दिनों इन दो ग्रहों का षडाष्टक योग बना लेना मंगल के साथ। शनि का भी षडाष्टक योग बना हुआ है, राहु का भी षडाष्टक योग बना हुआ है, तो और बृहस्पति जो है वो पूरी तरह से शुभत्व दे नहीं पा रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार करना होगा और उसके बाद ग्रहों का परिवर्तन का योग अद्भुत रूप से बनेगा और बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से तुला राशि वालों आपको देखने का मिलेगा। 1 नवंबर से आपके ग्रह पूरी तरह से परिवर्तन की तरफ जाएंगे और बहुत शुभ योग बनाएंगे, तो समय तक ये उपाय करें, कल्याण के योग बनेंगे। इन ग्रहों को समझें, ग्रहों की दृष्टि क्या है, ग्रहों का योगा योग क्या है, ग्रहों का प्रभाव क्या है, तो इन सबको समझते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको समय के अनुसार कार्य करने से लाभ मिल सकता है। एक बात और ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, ऐसे में कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जब मंगल जिस प्रकार का षडाष्टक योग बनाता है और जैसे बनने के योग बन रहे हैं, बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में उन दिनों में अग्नि के कुछ समस्याएं, भूकंप की समस्याएं, प्राकृतिक आपदाओं की समस्या कुछ ज्यादा हो सकती है। अभी आप देख रहे हैं पूरे विश्व में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की रोज खबरें आती रहती हैं, चाहे वो हमारे भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हो, बाढ़ के कारण से हो, तो ऐसे में इन 1.5-2 महीनों में जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार एक कष्ट देने के योग बनाता है। तो हम एक बार और हिदायत देने का प्रयास करेंगे आपको कि बहुत ज्यादा कई लोग ट्रेवल करने के लिए बहुत ज्यादा चले जाते हैं, तो इन दिनों थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, ज्यादा पंगे न लेने का प्रयास करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और उसके बाद बृहस्पति जब परिवर्तन का योग बनाएंगे, ये राहु महाराज परिवर्तन का योग बनाएंगे, तो बहुत सारी आपको जो 1.5 साल से रुका हुआ आपका लाभ का पीरियड है, आपकी राशि के अनुसार तुला राशि में बात करें, बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति महाराज शुद्ध होकर 6-7 महीने के लिए बहुत बढ़िया लाभ देने के योग बनाने वाले, तो उस समय का इंतजार कर लीजिए, देखिए परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। धन्यवाद।